करने वाले हैं वन मूवी विद ईच एंड एवरी डिटेल टॉपिक लाइक एनसीआर की चीजों को एक्सप्लेन आउट करेंगे। हम लोग यू नो कैसे डेवलप करते हैं, कैसे ग्रो होते हैं, कैसे चीज़ों को सीखते हैं, कैसे समझते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे डेवलपमेंट के अंदर। आप ओल्ड पीपल हैं वो धीरे धीरे अपने उनका जो डेवलपमेंट है मतलब ओल्ड स्टेज में पहुंचने के बाद वो जो है नीचे की तरफ गिरते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी मेमोरी जो है वो कमजोर हो जाती है, वो चीज़ों को याद नहीं रख पाते, समझ नहीं पाते जल्दी। लेट्स सपोज कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज है, बट ऐसा हो सकता है इन सम केसेस कि तुम लोग हो सकते हैं इंट्रोवर्ट, यानी कि तुम्हें ये लाइट क्यों लगा हुआ है, ये पर्दा क्यों है, किसी भी इंसान की वो किसी भी स्टेज में आ सकती है, ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, ये कहीं भी प्रूव नहीं है कि हाँ भाई बूढ़े हो जाओगे तभी डेथ आएगी। इससे पहले भी बहुत से केसेस होते हैं जब इंसान जो है वो डेथ का शिकार होता है। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज मेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं वन गो में, विद ईच एंड एवरी डिटेल टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड आज मैं तुम लोगों को डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से ही चीज़ों को एक्सप्लेन आउट करूंगी, ठीक है। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा आसान है और आराम से तुम लोग रिलेट कर सकते हैं। देन ओल्ड एज आता है, ओल्ड एज यहाँ देखने को मिलता है, बेसिकली हम मूव करते हैं मतलब 60 प्लस या 50 प्लस को, एक्चुअल में 60 प्लस आई गेस इज ऑल अबाउट योर ओल्ड एज, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं यू नो डेफिनेटली ओल्ड एज को बोला गया है कि बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है ट्रेडिशनली एज, और जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं अपने काम से तब का पीरियड ऑफ टाइम को कहते हैं हम लोग ओल्ड एज जनरली। ओके सो नेक्स्ट, अब ओल्ड एज के बारे में क्या मेंशन किया हुआ है वो थोड़ा सा देखते हैं। सो चैलेंजेस क्या होते हैं ओल्ड एज की, ओल्ड एज की चैलेंजेस ये होता है कि हम लोग यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं, अब पूरी जिंदगी इतना काम करते हुए शुरुआत से ही पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, बहुत से मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर कॉलेज में जाके अलग मेहनत करते हैं, फिर एग्जाम्स को क्रैक करके फिर एक जॉब मिलती है, तो वो जॉब करने में बहुत ज़्यादा मेहनत यू नो उम्र तो वहीं पर बीत जाती है, फिर मैरिज के बाद अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं, चाइल्डहुड मतलब चाइल्ड रियरिंग का काम हो जाता है जब हमारे बच्चे हो जाते हैं, सो दैट इज़ अ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सभी को मतलब आज तक करते हुए हैं, अब अचानक से रिटायरमेंट हो गया मतलब अब सभी चीज़ों से बहुत आराम मिल जाता है, तो अब थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन होता है जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं, मतलब ऐसा हो गया कि तुम लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे अब तुम लोगों को बैठ के घर में रहना है, तो अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है डेफिनेटली, राइट। सो दैट इज़ द थिंग, विडोहुड, कभी पार्टनर्स जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है या इलनेस बीमारियाँ होने लग जाती हैं या फिर फैमिली में डेथ देखने को मिल जाता है, तो वो एक बहुत ज़्यादा हार्श सिचुएशन होता है। 70 years ऑफ एज एंड सो आर क्वाइट एक्टिव एनर्जेटिक एंड क्रिएटिव, सो कुछ लोग जो हैं ऐसे अभी हम लोगों ने देखा है जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में भी जाने के बाद बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेते हैं अपने लिए एंड वो करते रहते हैं, ठीक है, क्रिएटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं, एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक भी होते हैं, ठीक है, दे आर कंटेम्प्ट एंड आर देयरफॉर वैल्यूड ऑफ सोसाइटी एंड इन मेनी वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि बहुत ज़्यादा यू नो अब कोई ओल्ड इतना ज़्यादा काम करेगा एक्टिव होगा सो डेफिनेटली उसे रिस्पेक्ट भी मिलती है समाज से। इन पर्टिकुलर जो एज्ड हैं वो बहुत ज़्यादा एज पीपल यानी कि थोड़े से एज पीपल हो जाते हैं 50 प्लस 60 प्लस, तो वो पॉलिटिक्स में भी एंटर करते हैं, लिटरेचर में भी एंटर करते हैं, बिजनेस में भी एंटर कर लेते हैं, आर्ट्स एंड साइंस में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। द मिथ्स ऑफ, कभी कभार बोला जाता है कि जो मिथ है ओल्ड एज का कि वो यू नो बहुत डरावना फेज ऑफ लाइफ, ये ज़रूरी नहीं है कि डरावना फेज भी हो, अगर तुम लोगों ने अपने लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन दी हुई है शुरुआत से ही कि तुम लोग शुरुआत से काम करते हुए अच्छे से आए हो, सेविंग्स रखी है तुम लोगों ने, एक प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग की तरफ चलते हो के साथ चलते हो तुम लोग, सो ओल्ड एज में भी तुम्हें दिक्कत नहीं होती है, राइट। सो ये एक मिथ है कि ओल्ड एज जो है वो हमेशा खतरनाक और बहुत फ्राइटनिंग सिचुएशन होता है, ये ज़रूरी नहीं है अगर तुम एक सिस्टमैटिक तरीके से वर्क करो, ठीक है। ऑफकोर्स अब इस टाइम पीरियड में समाज में बहुत से प्रॉब्लम्स यू नो इस टाइम पे हम लोग क्या होता है ना ओल्ड एज में हम लोग कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम को भी फाइंड कर होते हैं कि कहीं से कुछ सपोर्ट मिले, फैमिली से देन यू नो चिल्ड्रन से सपोर्ट हम लोगों को चाहिए होता है, हम लोग को लव चाहिए होता है, देन केयर चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है विद आवर फैमिली, राइट। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं ओल्ड एज में जाते हैं। ओल्डर एडल्ट्स also need to adjust
टू चेंजेस इन फैमिली. अब ओल्ड पीपल को आजकल तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है, वो नई चीजों को ज्यादातर समझ नहीं पाते हैं एंड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग. ओल्ड पीपल जो है, एडल्ट जो है, वो चीजों को ज्यादातर नहीं समझ पाते हैं, ठीक है. सो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है. देन इन ओल्ड एज फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, कम एनर्जी हो जाती है, हेल्थ, फिनेंशियल असर्ट्स लीडिंग टू इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी. यहाँ से हम जो ओल्ड एज में जब जाते हैं तो हम लोग डिपेंडेंट होने लग जाते हैं अपने अपॉन दी चिल्ड्रंस ऑफ आर्स, राइट. स्पेशली इंडिया के कल्चर की बात करें तो इंडिया के कल्चर में जो भी अधिकतर एल्डर पेरेंट्स होते हैं वो अपने चिल्ड्रंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं. उनकी केयर, उनकी टाइम्स की उन्हें परवाह होती है कि उन्हें चाहिए थोड़ा सा. ओके, ऑल दो डेथ जो है वो, अगर डेथ की बात करें, जैसे मैंने तुम्हें इनिशियल स्टेज यानी कि इंट्रोडक्शन में बताया था कि डेथ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी हमारे स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर ही आता है. लेकिन इस डेथ की बात करें तो ये जो डेथ है किसी भी इंसान की, वो किसी भी स्टेज में आ सकती है. ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, ये कहीं भी प्रूवन नहीं है कि हाँ भाई बूढ़े हो जाओगे तभी डेथ आएगी. उससे पहले भी बहुत से केसेस होते हैं जब इंसान जो है वो डेथ का शिकार हो जाता है, जो कि एक ट्रेजिटिक इवेंट है इन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसे हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते. लेकिन जनरली देखा गया कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो डेथ को फेस करते हैं स्टिल इन ओल्ड एज, ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाओ तुम नेक्स्ट पोर्शन पे. पीपल इन डिफरेंट कल्चर्स व्यू डेथ डिफरेंटली. अब जो डेथ है उसके बारे में एट द एंड बात की गई है कि जो डेथ है वो कब आती है, कैसे आती है. एंड दूसरे दूसरे कल्चर में डेथ का मतलब दूसरा होता है. फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत हिस्ट्री अगर, सो बहुत से लोग हैं जो आफ्टर लाइफ पे भरोसा करते थे, राइट. कहाँ पे बात करते थे वो मैं नहीं बताऊंगी, बट तुम लोगों को हिस्ट्री पढ़ो तो डेफिनेटली यू मस्ट बी नोन अबाउट दैट कि आफ्टर लाइफ पे बहुत सारे लोग पहले के ज़माने में बिलीव किया करते थे. वैसे ही डेथ के बारे में बिलीव किया जाता था गॉन्ड कल्चर के अंदर कि डेथ जो है वो एक मैजिक ऑफ डीमोन, यानी कि एक डीमोन होते हैं उसकी वजह से डेथ होता है. तनाला कल्चर में बिलीव किया जाता है मदर्स का नेचुरल फोर्सेस आर थॉट टू कॉज डेथ, कुछ नेचुरल फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से डेथ होता है. देन ह्यूमन डेवलपमेंट का के चैप्टर में तुम लोग कैसे, जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर में पढ़ा, हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स इन आवर इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम. तो इस लाइन के साथ जो कि बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर के साथ तुम लोग एक इंसान के पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझे कि कैसे थ्रू आउट द लाइफ चेंजेस डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हो रहे होते हैं, कैसे इंसान डेवलप हो रहा है एंड कैसे उसके चेंजेस आते रहते हैं लाइफ में, है ना. लेकिन डेथ के बारे में क्या बताया हुआ है, ये एक मिस्टीरियस थिंग है जिसके बारे में बहुत से लोग अभी तक भी फाइंड नहीं कर पाए हैं. सो इसके साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि यू नो, एक बारी समरी रीड कर लो, पूरे चैप्टर को रीड कर लो, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है. सो अब ये सारे चैप्टर को हम पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोगों ने इन डिटेल पूरे NCERT के बुक से ही तुम्हारे कवर किया है. एवरीथिंग आई होप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब तुम लोगों को क्या करना है, वेरी एंड तुम लोगों को एक बारी चैप्टर रीड करना है. वन मोर थिंग आई विल एड ऑन हियर इज, हमारा अंतिम प्रहार लेक्चर्स जो है वो भी अवेलेबल हो गया होगा इस टाइम तक, जहाँ पे तुम लोग जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस चैप्टर से बने हुए सारे MCQs और NCERT सॉल्यूशंस को वहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं. सो तुम लोग अगर वरीड हो कि NCERT सॉल्यूशंस अब तक आपने डिस्कस नहीं किया मैम, सो आई विल डिस्कस ऑल दिस NCERT क्वेश्चंस एंड जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे ही डिस्कस्ड हैं इन अंतिम प्रहार वीडियो लेक्चर्स. इसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो वेट किसका करो, जाके देख लो. साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हमें कनेक्ट करो इन इंस्टाग्राम, थ्रेड्स एंड फेसबुक, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ताकि ये जो PDF है वो तुम्हें आसानी से मिल जाए, और नोट्स बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, डेफिनेटली तुम लोग एग्री करोगे. सो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर.